नमस्कार दोस्तों, आइए अब विनेटिका विधि के बारे में पढ़ते हैं। विनेटिका विधि के जनक कार्ल टन वॉशबर्न, जो कि अमेरिका के थे, इस विधि को याद करने का सूत्र है कि विनेटिका से टीका, याद रखिएगा कि टीके जब हम बच्चों को लगाने जाते हैं तो बच्चे टीका कल पर टालते से कार्ल टन याद रखिएगा और टीका से विनेटिका याद रखिएगा। इस विधि की उत्पत्ति अमेरिका के बिनेट नामक शहर में हुई थी, अतः इसे विनेटिका नाम दे दिया गया, विनेटिका विधि। इस विधि में लिखित कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है, अतः इस विधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वर्णमाला लिखना सिखाना, शब्द वाक्य रचना करना सिखाना इत्यादि लिखने से संबंधित कार्य इसमें दिए जाते हैं। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को लिखित रूप से कार्य प्रदान करते हैं, जिसे विद्यार्थियों को निश्चित समय में पूरा करना होता है कि ये एक पाठ है या ये एक पैराग्राफ है, ये इतने समय में आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है। पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक विद्यार्थियों में प्रयोग होने वाली जो विद्यार्थी डायरी जो चलती है संस्थानों में, हमारे प्राथमिक विद्यालयों में भी ये विद्यार्थी डायरी का सिस्टम है, इस विधि के आधार पर ही शामिल की गई। जो विद्यार्थी डायरी का सिस्टम है वो इसी विधि विनेटिका विधि पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विद्यालयों में प्रयोग होने वाली विद्यार्थी डायरी निम्नलिखित में से किस विधि पर आधारित है, तो विनेटिका विधि। ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित विधि है, मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए विद्यार्थी डायरी होती है, अलग अलग उसकी रुचियों का ध्यान रखा जाता है और आगे जाके जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वे भी इसी से प्रेरित है कि बच्चा आगे जाके क्या बन सकता है। अब अगली विधि हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।